हेलो, दिस इज आदर्श यादव एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मेरी आपसे सेंटेंस पर बात हो रही थी, तो एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेंटेंस दुनिया का कोई भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें पांच चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकती। क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। बाकी चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी, ये चीज़ें निर्भर करती हैं वर्ब पर। ये वो फाइनाइट वर्ब होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था, और फाइनाइट वर्ब यदि ये ट्रांसटिव हुई तो अपने पास ऑब्जेक्ट लेगी। इनट्रांसटिव हुई तब ये स्वतंत्र है, अपने आप में अर्थ पूरा करती है, फिर से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। और यदि ये लिंकिंग है तो अपने बाद ये कॉम्प्लीमेंट लेगी। एडवर्बियल ये स्वतंत्र होता है, चाहे वर्ब लिंकिंग हो, ऑब्जेक्ट और लिंकिंग हो, चाहे ट्रांसटिव हो, इंट्रांसटिव हो, चाहे लिंकिंग हो, ये किसी के भी साथ आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैंने इस पर आपसे बात की थी जो कि पूरी नहीं हुई है, और मैंने आपको कहा था कि इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आइए पहले वो जान लेते हैं। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन और इसके सिमिलर। अब इसके सिमिलर क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक तो हम ये जानते थे कि केवल नाउन सब्जेक्ट, जैसे राम, श्याम जी, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें सब्जेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो जो चीज़ें सब्जेक्ट हो सकती हैं वो चीज़ें ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, यानी ये दोनों चीज़ें एक हो सकती हैं। जो सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, और जो ऑब्जेक्ट बन सकता है और वो सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वो चीज़ें क्या क्या कौन कौन सी होती हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो आज कल सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और वो क्या क्या चीजें हो सकती है आइए इधर देखिए। सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटिव, जेरंड। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटिव और जेरंड। अब ये कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नाउन क्या है, जैसे मान लीजिए राम। प्रोनाउन क्या है, इसी जगह इस्तेमाल कर लें ही, ये प्रोनाउन हो। नाउन फ्रेज क्या है, जैसे अ मैं। नाउन क्लास क्या है, अभी आपको बताऊंगा। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज की पांच फॉर्म्स हो सकती हैं, तो बेस फॉर्म इसे आप समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 प्लस बी वन होती तो बेस फॉर्म है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 प्लस बी वन इन्फिनिटिव। 2 के साथ किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बताती है। जेरंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब में आई एन जी लगाने से जैसे होता है ना, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड डिड, थर्ड डन, डू डिड डन, फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज। उसी तरह ये कौन सी फॉर्म है, फोर्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देने से जेरंड बनता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटिव और जेरंड। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है और नाउन क्लास क्या होता है।
उम्मीद है इतनी समझ में आ रही होगी। अब आइए आगे देखते हैं। नाउन प्रोनाउन सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, एंड सम गिव सम सेंस, थोड़ा बहुत अर्थ दे, किसी वाक्य का अंश हो और फाइनाइट वर्ब ना हो, थोड़ा बहुत अर्थ दे। अब वो क्या क्या चीज हो सकते, कैसे हो सकते हैं, देख लीजिए एग्जांपल के माध्यम से। हालांकि इसे मैं आपको आगे और बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी इस पर बात कर लेता हूँ। जैसे होता है मैन, ये सब क्या है, ये नाउन फ्रेज है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। और जैसे क्या है कि द टी ऑफ आसाम, द रेड सी, ये सब नाउन फ्रेज होते हैं, इस पर आपसे विस्तार से बात होगी। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझने के लिए। उम्मीद में समझ में होगा, एक बार से मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ फाइनाइट वर्ब एंड हैव सम सेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। किसी वाक्य का अंश हो, बिना फाइनाइट वर्ब के हो या फाइनाइट वर्ब ना हो, और कुछ थोड़ा बहुत अर्थ दे, होता है नाउन फ्रेज। नाउन क्लास क्या होती है कि क्लास है, वैसे तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, और उसी का भाग एक बनाया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लास। इस पर आगे आपसे डीप में बात होगी, फिलहाल आप समझने के लिए समझ लीजिए कि क्लास क्या होती है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज अ फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन and give some sense, sense is not complete, मतलब किसी वाक्य का अंश हो, उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब हो, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और अर्थ दे, अर्थ पूरा हो या ना हो, यदि पूरा हो गया तो प्रिंसिपल हो गई, और पूरा ना हुआ तो सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, तो ये क्लास है। अब आइए बताता हूँ ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें मान लो आपको शुरू बता रहा हूँ जिससे नाउन सब्जेक्ट का काम कैसे करता है। पहला, राम गोज टू कौशाम्बी, ये राम है, अब ये क्या है, ये नाउन है, राम गोज टू कौशाम्बी, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आपकी ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा वो भी आप देख लीजिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे कर लेगा, तो ये कर लेगा कि ही लव्स राम, वह राम को चाहता है, वह राम को चाहता है, किसे चाहता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि क्या किसे, इसको करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब यहाँ ये सब्जेक्ट है और एक राम जो कि नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे मतलब अब यहाँ पे वहां पे राम सब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम हो सकता है, ही क्या है, ये प्रोनाउन ही है। अब देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है, अब इसी को ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि जैसे हो जाएगा रमेश लव्स सीता, हर रमेश लव से, अब देखिए यहाँ पे ये
प्रोनाउन है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अब तक आपने देखा कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। जो चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं वो चीजें ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट हो सकती हैं वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम हो सकता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीजें सब्जेक्ट बन सकते हैं वो चीजें ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। मैंने आपको ये दिखा दिया है कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट भी बनते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अब बात करते हैं इन्फिनिटिव की। मैंने आपको बताया टू प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। वैसे तो बेस फॉर्म होता है लेकिन समझने के लिए आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझिए। वो क्या होता है, जैसे टू ईट इज गुड फॉर हेल्थ, खाना सेहत के लिए अच्छा है। अब यहां पे क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है, टू ईट इज गुड फॉर हेल्थ। अब आइए सब दिखा दें कैसे ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, ये भी देखिए इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इन्फिनिटिव यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैंने आपको दिखाया कि सब नाउन प्रोनाउन और इन्फिनिटिव ये कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जेरंड कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जेरंड होता है, मैंने आपको बताया कि फोर्थ फॉर्म, किसी भी चीज की वर्ब की पांच फॉर्म्स हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, वो मैंने आपको भी दिखा दिया था। और बी प्लस आई एन जी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाने से वो जेरंड कहलाता है। अब देखते हैं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कैसे हो कर सकता है। तो आइए देखते हैं, जैसे रनिंग रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा है तो जेरंड हो गया, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का काम करता है जो क्या है, जेरंड है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा वो भी आइए आपको दिखाता हूं कि he likes running, he likes running, वह चाहता है, क्या चाहता है, दौड़ना। वाक्य की मुख्य क्रिया में प्रश्न करके क्या किसे किसको तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वो चाहता है, क्या चाहता है, दौड़ना। यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जेरंड है, ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वह जेरंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आइए बताते हैं कि नाउन फ्रेज कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव जेरंड, ये मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब आप आइए देखते हैं कि नाउन फ्रेज कैसे सब्जेक्ट काम करेगा। देखिए द मैन इज नोन टू मी, द मैन इज नोन टू मी, वह आदमी मेरे द्वारा जाना गया, कौन जाना गया, द मैन। और मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होती है, हालांकि इसको मैं अभी और विस्तार से बताऊंगा लेकिन समझने के लिए आप समझ जाइए कि फ्रेज है ये नाउन, वो भी नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम कर सकती है और कोई फ्रेज नहीं कर सकती। फ्रेज मुख्यतः चार प्रकार की होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज, और यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, द मैन इज नोन टू मी।
अब आइए दिखा दूं एक ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा। तो रमेश wants a mango। रमेश wants, रमेश चाहता है क्या? a mango। अब देखिए यहां पे ये भी नाउन फ्रेज है, यहां पे ये भी नाउन फ्रेज है, और यहां पे काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। देखिए नाउन फ्रेज यहां है जो सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, और नाउन फ्रेज यहां पे है जो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। अब आपने जान लिया कि नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन प्लस जेरंड और इंफिनिटिव, ये कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। और आई बारी है अब क्लास की, नाउन क्लास कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो हम मूवी देख लीजिए, और आप लोग को यदि पूरा समझना चाहते हैं तब आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, और स्किप कर करके मत देखिएगा, आप आराम से एक बार दो बार देखिए, और जो ना समझ में आए आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं, उसका मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले से कम देखना होगा। अब आइए बताते हैं कि क्लास नाउन क्लास कैसे, वो कौन सी क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब जैसे अर्थ इसका पूरा नहीं होता है, जैसे The teacher said teacher says teacher कहते हैं क्या that the sun rises in the east। टीचर से द सन राइजेस इन द ईस्ट, अध्यापक कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, अध्यापक कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है। मैं बात इतनी कह दूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट तब ये बात पूरी है कि सूरज पूरब से निकलता है, मैं ये कह रहा हूँ कि सूरज पूरब से निकलता है, तब इसमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई है। वो बातें कब पूरी होगी? जब ये बात और आगे बढ़ेगी तब, कि सूरज पूरब से निकलता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ छुपा हुआ है? तो इसमें जरूर कुछ छुपा हुआ है, ये बात इसका जवाब आपको जब आगे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, और यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। टीचर से अध्यापक कहते हैं दैट कि सूरज पूरब से निकलता है। अभी ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी? यहां पे ये सबऑर्डिनेट क्लास जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब देखिए सब्जेक्ट का काम कैसे करेगी, इसी को बदल दे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब से निकलता है, सेज माय मदर, कि सूरज पूरब से निकलता है, काम क्या हो रहा है? सूरज के निकलने का, और किसने कहा? मेरी माँ ने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, सेज माय मदर। तो यहां पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही चीज यहाँ पे है सबऑर्डिनेट क्लास, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और यही चीज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। आपने आप तक जान चुका होगा, मैंने आपको बताया, आज सिर्फ आपसे बात हुई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं वो चीजें ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, और वो चीजें क्या क्या है? नाउन क्लास, नाउन फ्रेज, नाउन प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जेरंड, जेरंड। इन चीजों के अलावा और
कुछ नहीं हो सकता है नाउन प्रोनाउन। एक बात और है कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर द लग जाता है, जैसे द ब्लाइंड, तो इसका मतलब ये हुआ केवल एक अंधे की बात नहीं कर रहा है, संसार में जितने अंधे हैं सबकी बात कर रहा है। द पुअर, तो ये गरीब की नहीं बल्कि जितने भी दुनिया में गरीब है सबकी बात हो रही है। अब जैसे अब एक तरीके से मान लीजिए ये भी कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, आइए वो भी आपको देखेंगे, लेकिन मुख्यतः इतने ही हैं जितना मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे क्या कर सकता है, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये देखिए नाउन है, नाउन वो मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले द लगा है, तो अब ये पूरे गरीब समुदाय जितने की दुनिया में गरीब हैं सब की बात कर रहा है, और यहाँ ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऐसे ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप को यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तब आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कम से कम एक या दो बार पूरा पूरा वीडियो देखना होगा बिना स्किप किए। थैंक यू।